नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्रह। बीते लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती को अब अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता सताती दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि जो मायावती बीते लोकसभा चुनाव में एक लचनों की रणनीति पर मैदान में उतरी थी और नतीजा ये रहा कि एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि मायावती अपनी रणनीतियों में बदलाव करती दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर वो गठबंधन के तौर पर मैदान में उतरेंगी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है उसको मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई देंगी। लेकिन वहीं बीते लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से अपनी ही पार्टी पर जीत हासिल करते दिखाई दिए चंद्रशेखर आजाद रावड़ ने एक मिसाल कायम कर दी है, क्योंकि यहां पर अब ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण संसद में पहुंचे और संसद में पहुंचकर दलितों की आवाज उठाते हुए दिखाई दिए, ऐसे में वो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हो चुके हैं। आज इन्हीं दोनों चेहरों पर चर्चा की जाएगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, यहाँ पर मायावती को लेकर पहले बात की जाती है कि मायावती जो 2007 में अपने दम पर मैदान में उतरी थी और अपने दम पर अपनी सरकार बनाती दिखाई दी थी, उसके बाद देखा गया कि लगातार उनका जो वोट बैंक है उसमें कटौती होती गई, देखते देखते नतीजा ये रहा कि आज वो वोट बैंक खिसक कर केवल 9% पर आ चुका है। अब इस चीज का जो एहसास है वो मायावती को कहीं ना कहीं हो गया है, जिसको लेकर अब वो गठबंधन के लिए तैयार हो चुकी हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वो मैदान में उतरेंगी और यहाँ पर गठबंधन के साथ उतरेंगी। क्या ऐसी इस गठबंधन के तहत क्या वो हरियाणा में कुछ सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे सकती हैं? देखिए, बिल्कुल शालिनी, आपने जिस तरह से पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बताया है, हरियाणा में मायावती ने कहीं ना कहीं इस बार जो चुनावी दांव चला है अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करने का, जो बड़ा फैसला कहीं ना कहीं मायावती लेती नजर आई है। और वहीं इसके बाद आप देखें हरियाणा में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है। कारण ये भी है क्योंकि हरियाणा में पहले ही बीजेपी की सरकार गिर रही है, नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं अपनी गिरती नैया को बचाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो डूबती नाव को बचाने के लिए आखिर नायब सिंह सैनी क्या कर रहे हैं, इस पर लगातार सवाल है। और उसी में फायदा उठाने के लिए, उसी स्थिति में कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए मायावती ने गठबंधन कर लिया है अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा में मायावती अब अपनी साख जो है वो जमाने का प्रयास कर रही है और इसी के चलते गठबंधन किया भी गया है। वहीं सामने आप देखिए विपक्ष जिस हिसाब से कहीं ना कहीं रणनीति हरियाणा में बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही सरकार में बड़ी अंतर्कलह कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि तमाम जो उनके नेता हैं, तमाम जो उनके आप देखिए जो एक मुख्य चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक अहम कारण बताकर कांग्रेस को छोड़ने की बातें करते नजर आते हैं। कुमारी शैलजा की अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, वो कहीं ना कहीं साफ आरोप लगाती नजर आती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि मुझे इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, इसलिए मैं कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो छोड़ दूंगी और आने वाले समय में जाया जाए कि बीजेपी में ही जाकर शामिल होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए हरियाणा में मायावती अगर अपनी साख बचा भी लेती हैं तो रणनीति कहीं ना कहीं मायावती को यूपी में बनानी बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपी में ही दबदबा मायावती का था। 2007 में अपने बल पर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर मायावती बैठी तो जरूर थी, लेकिन उसके बाद जनाधार घटकर और वोट प्रतिशत घटकर 9% पर आ गया, जिस हिसाब से आपने आंकड़ा कहीं ना कहीं बताया। तो देखिए, यूपी कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश जो है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में भले ही सपा जीत दर्ज करके ले गया हो, अगर 2019 के समीकरण पर गौर करें तो 10 सीटें मायावती के खाते में गई थी, 5 सीटें अखिलेश के खाते में गई थी। कारण ये था क्योंकि गठबंधन था सपा और बसपा का, लेकिन इस बार आशुति अभी चुनावों में जब बीते ये लोकसभा चुनाव हुए उसमें मायावती ऐसा कहती दिखाई दी कि वो गठबंधन में रही है इसलिए उन्हें इतना फायदा नहीं हुआ है, तो वो उनका ये कहना था। लेकिन जब अब अकेले मैदान में होती है तो अब तो 0 पर आ चुकी है, अब एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि अभी जो हाथरस में हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर यहाँ मायावती सीधा तौर पर ये कह सकते हैं कि जो भोले बाबा थे उन पर आक्रमक होती दिखाई दे रही हैं, उन पर सवाल दागते दिखाई दे रही, उन पर कार्रवाई करने की मांग करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं मायावती को पता है कि सबसे ज्यादा जो भोले बाबा के भक्त थे वो दलित समुदाय के थे, पिछड़े वर्ग के थे, यहाँ अति पिछड़ा वर्ग के थे, तो दलित समुदाय जो है वो पहले से ही खिसक कर मायावती के हाथ से निकल चुका है, चंद्रशेखर आजाद रावण के पास पहुंच चुका है। अब जिस प्रकार से वो बाबा पर हमला कर रही है, क्या यहाँ पर वो अपने ही पैर पर और ज्यादा कुल्हाड़ी मारती दिखाई दे रही है, या फिर इसमें भी उनकी कोई रणनीति है और वो कुछ और करना
की कोशिश करती है। बिल्कुल, मायावती रणनीति के तहत ही हमेशा काम करती हैं। आप देखिए हर बार रणनीति के आधार पर ही मायावती चुनाव भी जो उन्होंने इस बार लड़ा, अकेला चलो के राह पर मैं चलूंगी, ये भी रणनीति ही थी मायावती की। उनका आप देखिए सोची समझी रणनीति थी, रणनीति के तहत ही मायावती ने अपने सारे काम सारे कागज किए वो रणनीति के तहत ही किए। लेकिन अब मुझे लगता है वो रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई है, और उस रणनीति में अगर उन्हें जीत दर्ज करनी है और उस रणनीति के तहत अगर उन्हें जीत दर्ज करनी है तो मायावती को अपनी राजनीति में रणनीति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से मायावती चलेंगी तो आने वाले उपचुनाव में भी हार का सामना कर सकेंगी। लेकिन आप देखें जिस हिसाब से मायावती अब कहीं ना कहीं सक्रिय हो रही हैं आजाद के साथ गठबंधन के लिए, तमाम तरह के एक तरह से आप देखें जद्दोजहद चल रही है, मायावती ने हरियाणा में भी गठबंधन कर लिया है, अखिलेश यादव से भी संपर्क कहीं ना कहीं बना के रखी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के तहत गठबंधन कर सकती है। तो देखिए मुझे लगता है मायावती अब कहीं ना कहीं सक्रिय एक बार फिर हो चुकी है। आकाश आनंद की वापसी से पार्टी को फायदा तो जरूर मिला है, क्योंकि अगर आकाश आनंद होते तो लोकसभा चुनाव भी मायावती हारती ना। यूपी में कम से कम आप देखें एक आध सीट मायावती अपने खाते जरूर लेके जाती, लेकिन आकाश आनंद को हटा देना, पद से निष्कासित कर देना तमाम बयानों के चलते, और फिर आकाश आनंद की वापसी कराना, देखिए मुझे लगता है ये रणनीति है। और अगर इस रणनीति से मायावती चलेंगी कि अपनी पार्टी की छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल ना होने दें और पार्टी की कमान को किसी ऐसे नेता के हाथ में सौंपी जाए जो नेता कहीं ना कहीं युवा चेहरों को एक तरह से आकर्षित कर सके, जिसमें आकाश आनंद बखूबी एक भूमिका निभाते हाल ही में नजर भी आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं आप देखें तो एक तरह से कंपटीशन में चंद्रशेखर आजाद भी सामने आ चुके हैं। आप देखिए एक प्रभावशाली प्रतियोगिता यहाँ पर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, और राजनीति में अगर प्रतियोगिता देखने को मिलेगी तो जरूर दिलचस्पी आएगी। बिल्कुल, राजनीति में प्रतियोगिता होनी भी चाहिए, तभी ये देखा जाता है कि जनता एक सही पार्टी को यहाँ पर चुनेगी और जिसके बाद शायद से जनता के लिए कार्य किए जाएंगे। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आश्रुति आपसे रहेगा कि मायावती अगर यहाँ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लेती है और चंद्रशेखर आजाद रावण भी अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार बदल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर ये कह सकते हैं जो दबदबा था उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता था, वो बुलडोजर अब बंद पड़ जाएगा? देखिए बुलडोजर बहुत समय से बंद पड़ा है, अगर आप थोड़ा गौर करें यूपी में जिस हिसाब से बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ लेकर तो जरूर आए थे, लेकिन वो बुलडोजर रणनीति को तमाम राज्यों में कॉपी करा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखें कहीं ना कहीं वो बुलडोजर रणनीति जा चुकी है, तो योगी आदित्यनाथ इस बार अगर हारे हैं तो ऐसी रणनीतियों की वजह से हारे हैं, जो जिन रणनीतियों के बारे में शायद उन्होंने बातचीत भी नहीं की, बीजेपी की बैठक में भी ऐसे तमाम मुद्दों पर बात ही नहीं हुई, क्योंकि यूपी साध लेंगे यही कहीं ना कहीं मानना था बीजेपी का। लेकिन इस बार आप देखें जिस हिसाब से गठबंधन कहीं ना कहीं हो रहा है और उपचुनाव के तहत गठबंधन हो रहा है, अगर मायावती आजाद के साथ गठबंधन करती हैं या अखिलेश यादव अगर लगातार आप देखें जिस हिसाब से सक्रिय बने हुए हैं लोकसभा चुनाव में, सपा ने जीत दर्ज कर ली है यूपी में, उपचुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का आप देखें कॉन्फिडेंस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव उपचुनाव भी साथ ही लेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत ही अब जो होगा यूपी में जो समीकरण बदलेगा वो गठबंधन के तहत बदलेगा। बीजेपी इस बार बुरी हार कहीं ना कहीं देख चुकी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी को कमबैक करना बेहद जरूरी है, बीजेपी की वापसी होनी बेहद जरूरी है, वरना आप देखें जिस हिसाब से अखिलेश यादव का शासनकाल कहीं ना कहीं यूपी में रहा था उसके बाद आप देखें जिस हिसाब से गुंडा राज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ गया था, अगर वो गुंडा राज एक बार फिर वापस आ जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा और बीजेपी की वापसी होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। शालिनी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया है, अब ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और मायावती को खासकर की कई रणनीति बनाने की भी यहाँ पर जरूरत जो है वो महसूस होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार वो हार का सामना करती आ रही हैं ऐसे में मायावती को काफी फूक फूक कर और सोच समझ कर कदम रखने पड़ेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।